कुछ पूरे तो युवाओं के लिए कुछ अच्छा किया है वकील? अब भाई हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। नंबर जहाँ तक देने के बाद उनके काम काज आदमी आई हमारे हिसाब से तो बिल्कुल कुछ काम नहीं। नमस्कार, मैं दुर्गेश तिवारी। दोस्तों, मोदी सरकार को बीते 4 साल हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता मोदी जी के बारे में क्या सोचती है। मोदी जी के इन 4 सालों को लेकर जनता क्या सोचती है, सीधा आज हम जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। नंबर जहाँ तक देने के बाद उनके काम काज का नंबर है 10। जहाँ तक वादों की बात है, जो उनके उस वादे में जो पब्लिसिटी लोग वादे के करते हैं 15 लाख 20 लाख 50 लाख, ये न पहले ही संभव था ना संभव होगा। सरकारी पैसा किसी खाते में नहीं जाता है। नहीं तो आप मान रहे हैं कि वो जो 15 लाख बोले थे वो तो जुमला था, वो आप भी मान रहे क्या? दुनिया है कहे कि जुमला क्या बात है, वो तो हर जहाँ भी होता है चुनाव प्रचार में कुछ न कुछ सही गलत बोला ही जाता है। नहीं तो जिस तरीके से लगातार 2014 के बाद से ये मैनिफेस्टो में था बीजेपी के कि हमारे आने के बाद राम मंदिर भी बनेगा और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में, इन सब पे अभी कोई चर्चा नहीं हो रही, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? 370 तो वहाँ की सरकार जब प्रपोज करेगी तो केंद्र मानेगी, उसको मोदी तेल का कर लेंगे। पहली बात तो केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती जी, तो ये प्रोपेगेंडा रचना की शक्तियों काम है, ये ऐसा संभव भी नहीं। एक बात, दूसरी बात की जो आप कह रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो में था, तो मैनिफेस्टो में कभी नहीं उन्होंने कहा कि मेरे आते ही राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर न्यायालय में था, ये मैनिफेस्टो में भी कहा गया था कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार काम होगा, मंदिर का काम प्रशस्त होगा, वो हो रहा है। तो यानी आपको लगता है कि ये जो GST और नोटबंदी ये भी कुछ फायदा किया है कि नहीं? 100% फायदा किया है। GST को कौन नहीं कह सकता है कि हाँ, चोर चंडाल जो है, जो अपराधी हैं, ये लोग यही लोग उसके विरोध करेंगे, अन्यथा एक टैक्स एक देश तो अच्छी बात है। आदमी आई हमारे हिसाब से तो बिल्कुल कुछ काम नहीं, बोले वही वही भाषण दिए ना, कुछ किया नहीं, भाषण दिए कुछ नहीं किया हमारे हिसाब से, केवल भाषण ही उन्होंने दिया, कुछ नहीं किया। अच्छा, आप करते क्या? हम भाई हम तो बॉम्बे में रही थे, हम तो बॉम्बे का छोटा आदमी है, वहाँ तो बॉम्बे में तो आदमी सब बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। अच्छा, आपको भी लगता है कि GST जिस तरीके से कोरिया से छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए, कितने आदमी बेकार हो गए। GST व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन छोटे आदमी जो छोटे व्यवसाय वाले GST मार खा गए, वहाँ रोजी धंधा करने वाले मार खाई, नोटबंदी में कितने आदमी बेकार हो गए बॉम्बे, हम लोग तो रोड पा गए, हम तो कम कहेंगे क्या। अच्छा, यानी आपको लगता है GST फेल है? GST नोटबंदी हमारे लिए दोनों कारगर नहीं हुई ना। तो यानी मोदी जी को 10% कितना? अरे मोदी में तब तो बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे ना यार, एक बार फिर से 2019 में नहीं, हम तो 2019 में वोट भले दे दें उनको, बात अलग है, वोट की बात तो अपनी जगह है, लेकिन इन्होंने कुछ हमारे हिसाब से सही अभी तक काम नहीं किया, क्योंकि हम लोग मार खा गए उसमें ना। चलिए ठीक है, तो क्या नाम है? आर के यादव। तो आप मोदी जी के इन 4 साल के काम काजों को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देखें? बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम। तो 2014 के बाद से अब तक जो मोदी जी ने घोषणाएं की थी उसको लगता है कि मोदी जी ने कम्प्लीट किया? पूरा कम्प्लीट, एक एक वादे जितने भी मैनिफेस्टो में, अभी राम मंदिर हुआ और ये आर्टिकल 370 और कुछ, राम मंदिर तो अभी कम्प्लीट हुआ नहीं है, चल रहा है काम। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है कि राम मंदिर बनना चाहिए? जी बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 10 में से पूरे 10। चलिए ठीक है, जितने स्कीम निकाले वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच रही है, इस पे कुछ तो आप कमेंट करें? या कुछ काम अच्छे नहीं है, कुछ काम नहीं। तो मोदी जी को क्या फिर से 2019 में फिर से आना चाहिए? आना चाहिए। अच्छा, तो यानी 2014 से 2018 तक जितने भी वादे किए गए थे आपको लगता है कि उसमें से पूरे किए गए? सब तो नहीं पूरे हुए, पर कुछ पूरे हुए। कुछ पूरे तो युवाओं के लिए कुछ अच्छा किए हैं? फायदा आपको नहीं हुआ? चलिए ठीक है, तो और एक भाई हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं कि 4 सालों के लेकर किस तरीके से देखते हैं मोदी जी। क्या नाम भैया? शिवांशु। आप शिवांशु जी किस तरीके से देखते हैं इन 4 सालों के लेकर मोदी जी, फास्ट या फेल? हमें तो फास्ट लगता है, क्योंकि कोई भी काम अगर स्टार्ट किया जाए तो उसे थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है पूरा किया जाए, तो मेरे हिसाब से 2019 में मैं उन्हीं को वोट दूंगा। एक मौका और दिया जाना? हाँ, एक मौका और दिया जाना चाहिए। यानी कि जो 4 सालों में जिनके वादे थे वो कुछ न कुछ कम्प्लीट हुए? कुछ न कुछ कम्प्लीट हुए हैं, और कुछ जो नहीं कम्प्लीट हुए हैं, हो सकता है कि आगे जो 4 साल और दें उनको, तो उसमें वो और ज्यादा उस पे अमल करें। ओके, ढेर सारे युवाओं का भी प्रतिक्रिया है कि वो अच्छा कर रहे हैं, और अभी बुजुर्गों की हमने राय दिखाई, लगातार सभी लोगों की राय दिखा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग भी कमेंट करके, हम कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको क्या सोचते हैं।
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।